पर्थ वर्सेस ब्रिस्बेन, तो एक टीम जो ब्रिस्बेन है वो पर्थ से ऊपर है फिलहाल थर्ड पोजीशन पे, वही पर्थ है सिक्स्थ पोजीशन पे। मैटर है कि तीन मैच ये खेली, दो जीती एक हारी है, ये दो मैच खेली एक जीती एक हारी है। और अगर बात किया जाए पर्थ का, तो लास्ट मैच 140 पे ही पैक हो गई और क्वाइट इजिली मेलबोर्न रेनेगेड्स ने उसको चेस कर लिया, बॉलिंग भी जबरदस्त किया मेलबोर्न रेनेगेड्स ने। अभी बिग बैस का ये हाल है कि सभी टीम जो है वो इन लाइन है, कौन किसको कब हरा देगा कुछ समझ में नहीं आता, कोई ऐसा डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि टॉप लेवल की टीम ये हो गई है, ये ज़्यादातर मैचेज जीतेगी, जो हर लीग में होता है कि मैक्सिमम मैचेज एक टीम जीतती है, दो से तीन टीम जो क्वालिफाई ऊपर से करती है वो बाकी सब टीम को रौनती है, लेकिन यहाँ पे कोई कंसिस्टेंसी ही नहीं निकल पा रहा है, कोई भी टीम कभी भी किसी को टैकल कर जा रही है। तो ये खासियत है बिग बैश का, जिसकी वजह से WBBL में इतना ज़्यादा रेट फ्लक्चुएट होता है, तीन तीन बार चार चार बार रेट इधर से उधर आता है, दो दो बार तो ऐसा होता है जहाँ 30 पैसा इधर से 30 पैसा उधर, फिर 30 पैसा इधर से 30 पैसा, जो मतलब महा जैकपॉट का रेट एंट्री होता है वो हो जा रहा है एक मैच में दो दो बार। तो क्या चाहिए आपको, क्यों नहीं खेल रहे, खेलिए कमाइए, मोटा प्रॉफिट का टाइम है, नेक्स्ट लेवल अपना काम चल रहा है, 90% से प्लस की एक्यूरेसी चाहे इसमें बोल लो या कोई भी लीग पकड़ लो या इंटरनेशनल मैचेस उसमें चल रहा है, तो काम जबरदस्त है मेरे भाई, जीतेगा पंटर जो खेलेगा जैसे बोलूंगा उसको वैसे फॉलो करेगा। तो बाकी यहाँ पे ये दो मैच में से एक मैच जो जीती है वो पहला 122 मतलब वो 4 पैसा का घोड़ा महा जैकपॉट लगाना उड़ गया था मेरे भाई, डिफेंड किया था 122 इन्होंने, वही दूसरा मैच ये 140 वाला था जो इनको चेंज कर लिया। ये जो लास्ट मैच हार के आ रहा है, तीन मैच में से दो मैच ये लगातार जीते और लास्ट मैच जिनका 173 का टारगेट था होबार्ट ने क्वाइट इजीली उसको चेस कर लिया 176 मार के। तो दोनों ही टीम अभी हार के आ रही है और दोनों ही टीम टॉप लेवल की रही है, कंसिस्टेंट रही है, तो कौन सी टीम जीतेगी, मार्केट क्या बोल रहा है, मार्केट बोल रहा है कि 70% ब्रिस्बेन फेवरेट इस मैच को जीतने के लिए, 30% यहाँ पे होबार्ट पर्थ है, यानी बुकी प्लस होगा जब यहाँ पर आपको ब्रिस्बेन जीतेगी, क्योंकि पर्थ को बहुत लोग पकड़ते हैं, मेंस में भी डोमिनेशन है पर्थ का, पता ही आपको 3 से 4 बार यहाँ पे WBBL का चैंपियनशिप पर्थ ने जीत रखा है, मोस्ट कंसिस्टेंट टीम रही है। बाकी अगर बात कर लेते हैं तो 85 पैसा यहाँ पे अभी ब्रिस्बेन फेवरेट भी है, तो मार्केट का भी सपोर्ट है, रेट का भी सपोर्ट है ब्रिस्बेन के साथ फुल्ली। मैच खेला जाएगा 2:40 PM, एक ही मैच है, 2:30 बजे के करीब दोपहर में, मतलब फुल मार्केट सेटिंग है, कहीं कोई कहने का बात नहीं है। और ये मैच खेला जाएगा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड पर्थ में, तो इससे क्लियर हो रहा है ये पर्थ का होम ग्राउंड होने वाला है। तो मेरे भाई खेलिए कमाइए, जबरदस्त प्रॉफिट हो रहा है, चल रहा है पंटर बूम बूम कर रहा है, बस जैसा बोल रहा हूँ वैसा फॉलो कर लेना, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो मेरे भाई, ये रहा स्कैनर, स्कैन करके ज्वाइन करिए, सबसे बेहतरीन ऑप्शन। बाकी 7428525761 मैच और सेशन के लिए इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन है हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पता है टेलीग्राम चैनल का, मिल जाएगा, जाके ज्वाइन करो। क्यों ज्वाइन करना, मैच सेशन डेमो में आएगा, काम का लेवल देखिए, और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पंटर का लॉस, सालों का जितना लॉस है लेके आओ, लाखों करोड़ों का सारा रिकवर करवा के देंगे मेरे भाई, फॉलो कर लेना बस एज इट इज़। कितनों का लॉस रिकवर हो गया पंटर का, आपका कैसे नहीं होगा मेरे भाई, होगा ही होगा। 21 डिग्री का टेम्परेचर आंसर नहीं है, ह्यूमिडिटी से लेना देना नहीं, दिन दिन में मैच है, पर्थ में मैच है, तो फास्टेस्ट को मदद है, और यहाँ पे मुझे लगता है 122 भी डिफेंड हुआ है, तो ये मत सोचिएगा कि लो टारगेट यहाँ पे डिफेंड नहीं हो सकता, ये वैसा वेन्यू है जहाँ पे बॉलर्स को मदद मिलेगी, खास करके सीमर्स को। मैच देखिए 37 मैच में से 16 ओवर फर्स्ट बैट 21 ओवर सेकंड बैट, एवरेज क्वाइट लो 140 के करीब करीब है, और 199 ही हाईएस्ट है, 200 पार भी नहीं किया 37 से 40 मैच में, सोचिए 94 लोएस्ट है यहाँ पर्थ का, और 150 से नीचे 23 बार लगाया देखिए, और 152-169 9 बार, 172-189 2 बार, और ओवर 190 3 बार लगा। देखिए पर्थ 122 यहीं पे हुआ था, मैंने बोला था मेलबोर्न स्टार्स के विरुद्ध, 8 में से 4 विकेट पेसर 3 विकेट स्पिनर्स, 10 में से 7 विकेट पेसर 2 विकेट स्पिनर्स, तो 11 विकेट पेसर्स ने निकाला, यानी मैंने जो बोला पेसर्स प्लस कर सकते हैं ड्रीमलाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं 197 ब्रिस्बेन ने बहुत हाई स्कोर, इतना लग गया तो समझ लीजिए डेड मैच है, स्टेट मैच हो जाएगा, ठीक है। 130 पे भी पैक होगी, 5 में से 4 विकेट पेसर 1 विकेट स्पिनर्स, 8 में से 5 विकेट पेसर 2 विकेट स्पिनर्स, फिर 169 भी बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब 150 के ऊपर यहाँ पे समझिए कि वो काफ़ी अच्छा रन लग गया, 8 में से 5 विकेट पेसर 2 विकेट स्पिनर्स, 9 में से 4 विकेट पेसर 5 विकेट स्पिनर्स, 29 विकेट पेसर्स है, 15 विकेट स्पिनर्स के पास है, यानी पेसर ज़्यादा विकेट निकाल रहे हैं यहाँ पर। हेड टू हेड में देखिए 20 मैच हुए इन दोनों के बीच में, 8 पर्थ जीती है 12 ब्रिस्बेन जीती है, तो ब्रिस्बेन का डोमिनेशन रहा है थोड़ा सा पर्थ के ऊपर वीमेंस क्रिकेट में। बाकी इनके होम ग्राउंड पे बात किया जाए तो होम ग्राउंड है पर्थ का, लेकिन मैचेज ज़्यादा जीता है ब्रिस्बेन, 3 मैच और ये 2 जीती है, तो ब्रिस्बेन क्लियर फेवरेट है नो डाउट, और इस साल भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। लास्ट 5 में भी देखिए तो 2 मैच पर्थ और 3 मैच यहाँ पे ब्रिस्बेन जीती, तो ब्रिस्बेन यहाँ पे फेवरेट दिख रही है क्लियरली, लास्ट में दोनों का ही लॉस है जैसा मैंने बताया, विन लॉस लॉस विन, तो ये 2 मैच जीती लास्ट 5 में से, ये देखिए विन विन फिर लॉस फिर विन, तो ये 3 मैच जीत के रही है, तो ब्रिस्बेन ओवरऑल हर जगह से स्टैट्स वाइज तो डोमिनेट कर रही है पर्थ के ऊपर, ये स्टैट्स है। बाकी मैच रिपोर्ट मैच टाइम आता है, उसको फॉलो करके जो खेलता है वो कमाता है।
बाकी यहाँ पे देखिए 10 मैच हुआ है, लास्ट 10 में से अगर बात किया जाए तो पर्थ 2 ही मैच जीती है। मतलब रिसेंट ईयर्स में इनका कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला है। 129 ऑन एन एवरेज, 170 हाईएस्ट है और 104 लोएस्ट है। इनका लास्ट 10 में से 6 जीती है, 146 ऑन एन एवरेज, 176 इनका हाईएस्ट है, 74 लोएस्ट है। वेन्यू पे अगर बात कर लेते हैं तो 3 मैच ये खेली है, 33% यानी एक मैच जीती है, मैक्सिमम मैचेज हारी है। 106 यहाँ पे ऑन एन एवरेज, 124 हाईएस्ट है, 95 लोएस्ट है। ये लास्ट अपने होम ग्राउंड पे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, 10 मैच में से 7 जीती है, 130 ऑन एन एवरेज है, 194 हाईएस्ट है, 177 लोएस्ट है। सेशन टिप्स का बात किया जाए तो 39, 66, 100 और 138, ये ऑन एन एवरेज लास्ट 10 इनिंग का सेशन इस वेन्यू पे, तो इस हिसाब से आप सेशन खेल सकते हैं। पर्थ का प्लेइंग 11 का बात किया जाए तो बेथ मूनी के साथ यहाँ पे सोफी डिवाइन, दयालन हेमलता है, एमी जोन्स है, मिकालिया हिंकली है, क्लोए पिपारो है, अलाना किंग है, क्लोए एंसवर्थ है, एमी एडगर है, लिली मिल्स है और एबोनी हॉस्किन है। इधर बात किया जाए पर ब्रिस्बेन की तरफ से तो जॉर्जिया रेडीमाइन है, ग्रेस हैरिस है, जमाया रोड्रिगस, चार्ली नॉट, लॉरा हैरिस, नेडिन डी क्लर्क, सियाना जिंजर, जेस जोनासन, शिखा पांडे, ग्रेस पार्सन्स और निकोला हैंकॉक। तो ये ब्रिस्बेन का प्लेइंग 11 होने वाला है। अब बेथ मूनी का बात किया जाए जो कि नंबर वन प्लेयर है T20 में, ODIs में भी, 36, 31, 44, 2, 15, तो परफॉर्मेंस भी वैसा ही है। ये फास्ट स्टार्ट देने का कोशिश कर रही है और लास्ट दो मैच में थोड़ा सा परफॉर्मेंस भी दिखा है, अब ये बड़ा हो सकता है इस मैच में, तो इस पे आप खेल सकते हैं। ये सबसे रिलायबल प्लेयर होने वाली है। दयालन हेमलता देखिए 13, 47, 2, 14, 14, मिकालिया हेनली 20, 1, 8, 32, 11, क्लोए पिपारो 1, 23, 4, 6, 82, एमी जोन 7, 30, 7, 12, 13, सोफी डिवाइन 6, 12, 19, 13, 7, 00, 100, ये देखिए आई हैं न्यूजीलैंड की हैं। और इस टीम का लैकिंग है बैटिंग परफॉर्मेंस, एक प्लेयर कंसिस्टेंट दिख रहा है जो कि बेथ मूनी, उसके बाद कोई नहीं दिख रहा है, आप देख सकते हैं स्टैट्स वाइज भी, इसलिए ये टीम थोड़ा सा बैकफुट पे फेंका जा रही है। अलाना किंग 26, 7, 5, 0, 2, 3, 1, 0, 0, एमी एडगर 0, 1, 0, 0, 1, लिली मिल्स 1, 1, 0, क्लोए एंसवर्थ 10, 10, 9, 5, 10, 0, 2, 0, 0, 1, और इधर एबोनी हॉस्किन का देखिए 1, 1, 0, 1। बॉलिंग डिपार्टमेंट भी इनका क्वेश्चन मार्क में है। इधर देख सकते हैं जेमाया रोड्रिगस 45, 2, 59, 2, 26, लास्ट मैच खेलते ही 45 रन इनका आया है। ग्रेस हैरिस 75, 6, 29, 3, 40, ये भी फॉर्म में है। लॉरा हैरिस 21, 31, 9, 10, 4, तो दो मैच लास्ट दो मैच देखिए दोनों में इतना रन भी मार दे तो बहुत अच्छा है। जॉर्जिया रेडीमैन 19, 44, 11, 13, 35, चार्ली नॉट 5, 1, 44, 17, 10, 1, 0, 0, 1, 1, नेडिन डी क्लर्क 11, 0, 6, 1, 12, 1, 0, 0, 1, 0। अब इधर देखा ग्रेस पार्सन का बात किया जाए तो 11, 8, 2, 11, 0, 1, 3, 0, 1, 2, तो इनका ही विकेट है, इनके पास लास्ट दो मैच में 4 विकेट निकाल रखा है। सियाना जिंजर 1, 2, 24, 46, 24, 0020, जेस जोनासन 0, 1110, शिखा पांडे 5, 28, 1, 25, 2, 0, 2, 1, 2, तो लास्ट दो मैच उससे पहले जो है उसमें विकेट नहीं है, लेकिन उससे पहले 4 विकेट है इनके पास। निकोला हैंकॉक 0, 1114। अब बेथ मूनी के साथ यहाँ रेडीमाइन रहेंगे, ग्रेस हैरिस, जेमाया रोड्रिगस, जेस जोनासन, सोफी डिवाइन, सी नॉट, शिखा पांडे, अलाना किंग, पार्सन्स और एंसवर्थ। कैप्टन के लिए बात किया तो जेस जोनासन को कैप्टन और वाइस कैप्टन इनको बना सकते हैं या फिर वाइस वर्सा कर सकते हैं। और ड्रीम इलेवन के अपडेटेड टीम के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाकर ज्वाइन करिए, नेक्स्ट लेवल टीम वहाँ पे फ्री में आता है। और ड्रीम इलेवन के बाद आपको मैच और सेशन खेलना है तो उसका भी टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है और नंबर याद कर लो 7, 4, 2, 8, 5, 2, 5, 7, 6, 7, मैच और सेशन के इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे भाई। चलिए अवेलेबल, टेक केयर, गुड नाइट।